इसके अंदर अपने को 8GB लाइट मिलेगी, ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आता है, 3D बटन इफेक्ट इसके अंदर अपने को मिलेंगे, 6S जायरोस्कोप के सेंसर इसके अंदर दे रखे हैं, ये गेमिंग कंट्रोलर अपना एंड्रॉइड बॉक्स, फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉइड फोन और इसके अलावा निंटेंडो स्विच के अंदर भी सपोर्ट करता है। और हाँ भाई, ये जो अपना कंट्रोलर है ना, इसने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि इसकी प्राइस है सिर्फ 2300 रुपए और उसके अंदर अपने को एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेंगे। अब वो डिस्काउंट कितने का है, कैसे यूज करना है, वो सारी बातें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो पहले अपन कंट्रोलर देख लेते हैं। तो भाई, ये जो अपना गेम पैड है ना, इसका नाम है गेमसर T4 मिनी और गेमसर ना भाई अपनी इंडस्ट्री में किंग है, मतलब गेमसर के प्रोडक्ट ना नाम से बिकते हैं क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है। और इसके नीचे लिखा हुआ है मल्टी प्लेटफॉर्म गेमिंग कंट्रोलर और बॉक्स कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। बॉक्स की लुक तो भाई तगड़ी है। और हाँ भाई, एक चीज तुमने नोटिस कर लिया होगा, ये मेरे पास दो कलर वेरिएंट में आया है, एक तो अपना ट्रांसपेरेंट व्हाइट है और एक ब्लैक है, लेकिन ब्लैक भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है और पर्सनली तो मुझे व्हाइट वाला पसंद आया। तुम्हें यहाँ पे कौन सा पसंद आया इन दोनों में से, मुझे कमेंट करके बताना यार, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारी चॉइस कैसी है। तो कमेंट करना मत भूलना और लगे हाँ सब्सक्राइब भी कर देना यार, ताकि इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। तो बॉक्स में से अपने को एक कंट्रोलर मिलेगा, एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना भाई एक बार, और टाइप सी की केबल मिलेगी जिसकी क्वालिटी अच्छी है। और इनफैक्ट टाइप सी केबल के थ्रू अपन इसको यहाँ पे एज अ वायर कंट्रोलर यूज भी कर सकते, तो वायरलेस और वायर दोनों का ऑप्शन अपने पास है। और भाई, इस कंट्रोलर की लुक ना एक तरफा यार, मतलब फर्स्ट लुक में मैं तो इसका दीवाना हो गया यार, क्या ही प्रीमियम लुक है इसकी यार, और बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है इसकी। ये जो अपना कंट्रोलर है ना, ये हैवी ड्यूटी प्लास्टिक का बना हुआ है जो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है। और भाई ऑब्वियसली इसका नाम है T4 मिनी, तो ये एक मिनी साइज का अपना गेम पैड है, ताकि अपन इसको आसानी से ट्रेवलिंग में यूज कर सके। और गाइस, तो मैं अगर मैं साफ साफ बताऊं ना, तो इसके बटन ने मुझे हैरान कर दिया था। इसके जो XYBA वाले बटन है ना, ये 3D लुक के साथ आते हैं, अगर आप इसको मूव करेंगे ना, 3 बटन के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो 3D इफेक्ट में अपने को शो होते हैं, जो एक तरफा लुक देते हैं भाई, मतलब क्या बोलूं इसकी। और हाँ, ये जो कंट्रोलर है ना भाई, ये 8GB के साथ भी आता है, और इसके अंदर जो 8GB अपने को लाइट मिल रही है, उसको अपन कस्टमाइज भी कर सकते हैं अलग अलग मोड में। कस्टमाइज करना बहुत सिंपल है, इसको टी बटन को दबा के रखना है, और उसके बाद ये जो जॉयस्टिक है ना, इसको अपन को इस तरीके से प्रेस करना है, उसके बाद इसके जो यहाँ पे 8GB इफेक्ट है ना, वो अलग अलग मोड में यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो अपन अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ, जब मैं इसकी डिजाइन की बात कर ही रहा हूँ ना, तो इसकी जो डिटेलिंग है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, और ऑब्वियसली एक प्रीमियम कंट्रोलर है, तो ये तो अपन एक्सपेक्ट करेंगे सही यार। और भाई, वैसे तो ये जो गेम पैड है पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने को साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर के जितने भी इंटरनल पार्ट, PCB और बैटरीज यूज हुई ना, वो यहाँ पे टॉप नॉच क्वालिटी के, जितने भी प्रीमियम गेम पैड यहाँ पे आते हैं ना, जिनकी प्राइस 5,000, 6,000, 7,000 होती है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं ना, सिमिलर कंपोनेंट्स इसके अंदर अपने को मिलेंगे। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी, कि कौन कौन से डिवाइस में ये कैसे कनेक्ट होगा और किस तरीके का अपने को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये जो अपना गेम पैड है ना, ये कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, लैपटॉप के अंदर भी ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इसको आप मिनी PC जो आते हैं ना, उनके अंदर भी ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि ये जो अपना कंट्रोलर है ना, ये ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है, कोई डोंगल का चक्कर ही नहीं भाई इसके अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे जो डोंगल वाले गेम पैड आते ना, अगर उनका डोंगल अपन से घूम जाता ना, तो फिर वो गेम पैड अपने किसी भी काम के नहीं, तो ये ब्लूटूथ के साथ आता है और ये इसका एक एडवांटेज पॉइंट है। और इस गेम पैड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल के अंदर काफी अच्छे तरीके से काम करता है, अगर आप ISO यूजर हो या फिर एंड्रॉइड यूजर हो ना, तो ये कंट्रोलर आपके मोबाइल के अंदर आराम से काम करेगा। जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर बेस्ड गेम है, वो आप यहाँ पे ऑब्वियसली खेल पाओगे इस गेम पैड के थ्रू, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो अगर आपको मोबाइल के अंदर गेमिंग करनी हो। इनफैक्ट भाई, जो निंटेंडो के यहाँ पे स्विच आता है ना, उसके अंदर भी ये काम करता है, और ये इसका हाईलाइट पॉइंट है। देखो, निंटेंडो इंडिया के अंदर तो इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो अदर कंट्री है ना, उसके अंदर निंटेंडो कंट्रोलर बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये गेम पैड उसके अंदर भी चल जाता है। इसके साथ मैंने इसको एंड्रॉइड बॉक्स में भी यूज करके देखा था, मेरे पास MI का एंड्रॉइड बॉक्स है, उसके अंदर मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया था, और ये जो अपना गेम पैड है ना, ये एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर भी प्रॉपर काम करता है। मेरे पास MI का एंड्रॉइड बॉक्स है, उसके अंदर मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया था, और उसके बाद सारे गेम ऑब्वियसली मैंने इस गेम पैड के थ्रू उसके अंदर खेले थे, तो मेरा एक्सपीरियंस तो भाई अच्छा रहा। कई इनफैक्ट मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी करा था इस गेम पैड के बारे में, और वहां पे जो मैं गेम प्ले कर रहा था ना, वो MI बॉक्स के अंदर ही था। और मैंने इसको फायर टीवी के अंदर भी यूज करके देखा, क्योंकि फायर टीवी के अंदर ऑब्वियसली USB पोर्ट तो आता नहीं है, तो मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करा था, और फायर टीवी के अंदर भी ये काम कर रहा था प्रॉपरली। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एंड्रॉइड बॉक्स या फायर टीवी स्टिक है, तो इसको बाय कर सकते हो। लेकिन गाइस, यहाँ पे ना एक कैच है, अगर आप इसको मोबाइल के अंदर यूज करोगे ना, तो आपको इसके एक मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर तो कोई मोड की जरूरत नहीं, बस ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और ये चल जाएगा, लेकिन मोबाइल के लिए यहाँ पे अपने को मोड में इसको स्विच करना पड़ेगा। इस गेम पैड को अगर आप मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो आपको सिंपली होम वाले बटन को दबाना है और X वाले बटन को दबा के रखना है। उसके बाद ये जो इंडिकेट लाइट अपने को नीचे की तरफ दिख रही है ना, ये 4th नंबर पे इंडिकेट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये जो अपना गेम पैड है ना, ये रेडी हो गया है एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर गेम खेलने के लिए। और इसी तरीके से अपन इसको ISO में भी यूज कर सकते हैं, बस सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इस गेम पैड को इसी तरीके से कनेक्ट करना है। लेकिन भाई, ये जो अपना गेम पैड है ना, ये कंसोल जैसे कि PS5 और Xbox के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो, ऑनेस्टली मैंने तो ट्राई करा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये है नहीं।
अगर उनके अंदर ये चल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बट आई थिंक उनके अंदर ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि एक्सबॉक्स और PS5 के जो कंट्रोलर होते हैं ना वो लाइसेंस कंट्रोलर ही उनके अंदर चल पाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो देखो इस बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा यार। अब थोड़ा बहुत इसके की फीचर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वो थोड़ा बहुत फीचर नहीं है भाई, दुनिया भर के फीचर इसके अंदर अपने को दे रखे। जैसे कि इसके अंदर अपने को 6x जायरो सेंसर मिलता है, तो जो भी गेम यहाँ पे इस टाइप के मोड को सपोर्ट करते हैं तो वो आप ऑब्वियसली इस गेम पैड के थ्रू खेल पाओगे। साथ में इसके अंदर अपने को डुअल एडजस्ट मोटर वाइब्रेशन मिलती है, और हाँ भाई इसके वाइब्रेशन का जो फीडबैक है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। जब आप इसको यूज करोगे ना आपको लग जाएगा कि हाँ यार कंट्रोलर तो यहाँ पे प्रीमियम है, नो डाउट। इस कंट्रोलर के अंदर अपने को 600 mAh की यहाँ पे बैटरी मिलती है, जिसका यहाँ पे रन टाइम 10 hours है, तो नॉन स्टॉप अपन इसको 10 घंटे तक यहाँ पे चला सकते हैं। और हाँ भाई, जब मैं इसकी यूजर मैनुअल देख रहा था ना तो इसके अंदर कुछ टर्बो बटन के बारे में भी बता रखा है कि इसके अंदर ना अपन टर्बो बटन को असाइन कर सकते हैं। तो टर्बो बटन से वही होता है यार कि अपन को अगर रिपीट करना है किसी भी एक्शन बटन को तो वो टर्बो बटन के ऊपर अपन सेट कर दो और वो काम होता रहेगा। इसके अलावा इस गेम पैड के अंदर ना अपने को 8GB लाइट मिलती है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो होती है यार, तो एक प्रीमियम लुक अपने को मिलेगा। और हाँ भाई, वैसे मैं काफी टाइम से इस वाले कंट्रोलर को यूज कर रहा हूँ, और ये किस कंपनी का मैं नाम यहाँ पे लूंगा नहीं। अब ये वाला शायद 1500 रुपए का अमेजोन के ऊपर, और अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो यार ये 2200-2300 रुपए का अपने को मिलेगा, और उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे ना तो जमीन आसमान का अंतर अपने को मिलेगा यार, क्योंकि भाई अगर अपन नॉर्मल कंट्रोलर से इसको कंपेयर करेंगे ना तो नॉर्मल कंट्रोलर के कंपेयर में इसकी लुक, डिजाइन, फीचर, क्वालिटी, ओवरऑल डिजाइन सब यहाँ पे बेटर है यार। तो देखो ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है ना ये बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे कंपनी वालों ने लॉन्च करी है, तो डेफिनेटली अगर आपको गेम पैड चाहिए ना एक प्रीमियम क्वालिटी का तो आप इसको बाय कर सकते हो यार, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, और ब्लूटूथ वाले कंट्रोलर तो जनरली महंगे भी होते हैं, और ये अपना ब्लूटूथ के साथ नहीं आता तो भी 1500 रुपए का है नॉर्मली अमेजोन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर लेना यार। अब यार जो कंट्रोलर है ना ये इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव अवेलेबल है electronicsindia.com के ऊपर, और आप में से काफी लोग तो जानते भी होंगे इस वेबसाइट के बारे में, ये प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो अगर आपको ये गेम पैड चाहिए तो ये आपको electronicsindia.com पे मिल जाएगा, इसकी प्राइस वहाँ पे 2300 रुपए है, लेकिन अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी जो इफेक्टिव प्राइस है वो 2100 रुपए आएगी यार, और डेफिनेटली 2100 रुपए में इसको बाय कर सकते हो यार आप। तो वीडियो को कैसी लगी भाई मुझे कमेंट करके बताना, कोई फीडबैक, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।